हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मोटो न्यूज़ और मैं आपके लिए लाया कुछ इंडियन मोटोवॉकिंग से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी फर्स्ट अपडेट निकल के आई 07 राइडर की तरफ से बोले तो बाबू भैया की तरफ से, तो फाइनली वो H2 ले रहे हैं। आप क्लिप देखिए, सब कुछ सही हुआ गाइस। तो कल हम लोग H2 लेने जा रहे हैं। पहले आपको पता ही होगा अपने इंडिया में अभी के टाइम पर तो ना तो कोई बुक कर पा रहा है और ना तो बाहर से कोई इम्पोर्ट कर रहा है। इसी से रिगार्डिंग बाबू भैया ने ये कहा है, आप खुद देखिए। H2 के बारे में मैंने पता कर लिया, लास्ट ईयर भी पूरा चला गया और इस साल भी ऑलमोस्ट कोई उम्मीद नहीं लग रही है, बिकॉज गवर्नमेंट ना लानी नहीं दे रही है। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि लाएंगे। तो अभी का सीन ये बन रहा है गाइस कि नई H2 तो आई डोंट थिंक सो आएगी। इंपोर्ट कराने के लिए भी बहुत जमील है, तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, बट इंडिया में कुछ H2s मिल रही हैं, सो आई एम बिट कंफ्यूज्ड। अगर हम लोग वेट करने पाएंगे तो ऑलमोस्ट टाइम लगना ही लगना है, बट अगर हम लोग शोरूम से नहीं लेकर के बाहर से लेंगे तो हम लोग इसी वीक में ले आएंगे। सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बट बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि बाबू भैया H2 चाहिए। देखो मेरे पास ऑलरेडी इतनी गाड़ियां हैं, मेरे को ना H2 की इतनी भी जल्दी नहीं है। अगर आप लोग वेट कर सकते हो ना नई H2 के लिए, तो फिर इट विल बी डिसाइडेड कि हम लोग फिर नई H2 का ही वेट करेंगे। बाकी लोग आपको फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख। हम बात कर लेते हैं प्रो डायर 1000 के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देहरादून में एक मीटअप है, तो फाइनली वो व्लॉग आ चुका है मीटअप वाला। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ कुछ क्रेजी। मीटअप में पब्लिक ज्यादा होने के कारण वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए थे। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। पुलिस आ गई, अरे सर एक्चुअली ना हमने सोचा नहीं था इतने लोग आए, हमने कहा सोचा 10-15 लोग आएंगे, मतलब रैव हो रहा था। क्या लग रहा है सर? ये तो मीटअप है ना, मीटअप एक मिलियन सब्सक्राइबर होने का, 10 लाख सब्सक्राइबर होने का, 10 लाख सब्सक्राइबर है ना मेरे। आपके बजाज वाले हैं? हाँ सर अलाउड है हम एक्चुअली। भाई लोग आपको फुल वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप जाके देख सकते हो। हम बात कर लेते हैं JS फिल्म्स के बारे में। तो उनके चैनल पे पिछले 20 या 25 दिन से एक भी वीडियो आउट नहीं हुई थी, फाइनली आज उनके चैनल पे एक वीडियो आउट हो गई, आप स्क्रीन पर देखी। और उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ उनके वीडियो का छोटा सा। और अगर अभी तक आप लोगों ने भी ना जेएसएन नेशन की वेबसाइट चेकआउट नहीं करी है और अपने लिए सामान ऑर्डर नहीं किया, तो आपने अभी कुछ नहीं किया है ना। हम बात कर लेते हैं आमिर बर्ड व्लॉग्स की तरफ से। तो उनका एक न्यू सॉन्ग आने वाला है 12 तारीख को, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो उसी वीडियो में भाई का थोड़ा सा क्रैश भी हो गया एक स्कूटी वाले के साथ, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। ओ शिट भाई, क्या कर रहा है यार, नहीं चलने आता है, तुम कैसे चल, तुम भाई बात साइड पे कर, स्कूटी साइड पे कर, साइड पे। ओ भाई शिट भाई, मैं पूरा तोड़ दूंगा इसको, क्या कर रहा है ये? ओए आप दिमाग मत खराब करना, ठीक है? अभी तक मैं चुप रह रहा था ना, इधर देखना, कल मैंने भाई का काम कराया है, क्या अपनी गलती है? कल मैंने भाई का काम कराया, तूने ये शिट यार। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो हम बात करते हैं लीगल बंजारा की साइड से। उन्होंने अपने सुपर बाइक के लिए एक पोल डाला था और आप देख ही सकते हो स्क्रीन पर सबने वर्ड MWS 1000 आ रहा है। उसी से रिगार्डिंग आज के ब्लॉग में उन्होंने ये अपडेट दिया है, किया हुआ है ना। इस पोल में आप देख सकते हो कि 66% वोट गए हैं BMW S1000 RR को, और होंडा CBR में सिर्फ 10% लोग कह रहे हैं, R1 में 18% लोग कह रहे हैं, और हायाबुसा में कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6% लोग। 25,000 वोट अभी तक आ चुके हैं भाई। अगर अभी भी वोट नहीं करा आपने और आप चाहते हो कि मैं कोई और बाइक लूं, तो जाओ फटाफट वोट करो, आपका वोट डिसाइड करेगा कि कौन सी बाइक आ रही है। अभी तक जो गाड़ी आगे चल रही है वो चल रही है BMW S1000 RR। बात कर लेते हैं हम सक्षम मनहास के बारे में। तो आमिर मजिद के साथ देखे, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, और उन्होंने साथ में राइड भी की, मैं छोटे से क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। तुमने डरा दिया मुझे कसम से, बड़ी तेज निकला यार। हाँ डन,
चलो वही तो चक्कर है। चलो 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 अरे को आपको फुल वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप जाके देख सकते हो। बात कर लेता हूँ आयरा माजिद के बारे में, तो उन पिछले 7 दिन से उनके चैनल पे एक भी व्लॉग नहीं आउट हुआ, तो फाइनली आज उनका व्लॉग आउट हो गया, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, आप जाके देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बस भाई लोग आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।